जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज के दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 6 बजे के आसपास, तो सबसे पहले उठते ही मैंने पिया एक गिलास गर्म पानी, फिर उसके बाद खाए रात को भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स। फिर 6:30 बजे बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने लगाए 4 सेट DI के प्रीलिम्स लेवल की, चारों सेट DI के तो बन गए थे। फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के किए और 4 पजल के। पजल भी इजीली बन गई थी, बट जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे उनमें से 2-3 नहीं बने थे, मेंस लेवल के थे ये। फिर जो नहीं बने थे उनको मैंने 2-3 बार ट्राई करने की कोशिश की, फिर वो 2-3 बार ही में बने। फिर मैंने किया 5 मिनट प्राणायाम, उसके बाद 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार, और उसके बाद मैं 1-2 छोटी मोटी कोई एक्सरसाइज कर लेती हूँ जितना मेरा करने का मन करता है। फिर इसके बाद मैं आती हूँ नहा के। नहाने के बाद मैंने की पूजा और उसके बाद किया ब्रेकफास्ट। इतना जो है बज गए थे 10:30। फिर उसके बाद मैंने शुरू किया अपना इंग्लिश का। इंग्लिश में मैंने किया एडिटोरियल का लेक्चर देखा, फिर एडिटोरियल रीड करके उसके बाद मैम ने कराई स्कीमिंग 3-4 पैराग्राफ की। फिर उसके बाद मैंने करने शुरू किए करंट अफेयर। पहले एक करंट अफेयर की मैंने PDF पढ़ी और जो मैंने कल करंट अफेयर पढ़े हुए थे उनका मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट का स्कोर था मेरा 16.5 out of 20। फिर उसके बाद मैंने क्वांट की एक क्लास लगाई, प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास लगानी थी मेरे को, हर्षल सर की क्लास लगाई। पहले सारे क्वेश्चंस जो सर करा रहे थे उनको खुद से ट्राई करने की कोशिश की, क्योंकि पहले मेरे को आता है थोड़ा बहुत ये, तो पहले खुद से किए। फिर 1-2 क्वेश्चन नहीं बने थे बस मेरे पास से, फिर मैंने सर के भी सारे सोल्यूशन देखे कि सर किस अप्रोच से करा रहे हैं। 1.5 घंटे की क्लास थी ये और ये मैंने क्लास कंप्लीट की थी 2 घंटे में। फिर उसके बाद मैंने RRB क्लर्क प्री का एक मॉक अटेम्प्ट किया। सो गाइज, मॉक में मेरा स्कोर रहा है 76.5/76 और पहली बार मेरा इतना अच्छा स्कोर आया होगा और परसेंटाइल इतनी अच्छी आई होगी 94 point something। इसमें क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैं गलत कौन कौन से किया है मैंने। तो एक ये क्वेश्चन गलत किया है, मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया था, अगर डायग्राम बनाती तो शायद हो जाता और 1 मिनट मेरे पास बच भी गया था। पर मैंने स्टार्टिंग में मैंने सोचा मखा एक ही क्वेश्चन तो है, ऐसे ही करती हूँ इसको, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट से पढ़ कर करने की कोशिश करी, समझ में आया कि जेंडर तो कुछ पता नहीं लग रहा, कांट डिटरमाइन करती हूँ। तो और क्वांट में एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ज़्यादातर मेरी एक्यूरेसी इसी कारण नहीं बनती कि मैं बीच में मिस्टेक कर दूँ। इसमें पता क्या मिस्टेक करी है मैंने, जिस तरह की इसका सोल्यूशन है 33 में से 27 माइनस करना था तो इसका आंसर 6 आवागा, और मेरी माइनस देखो भाई कितनी अच्छी है, ये सॉल्व किया हुआ है मैंने 33 - 27 5, तो उसकी वजह से गलत होगी 3x की वैल्यू। और एक ये क्वेश्चन, ये तो टाइम भी था 3-4 बार करने की कोशिश करी कि इसका आंसर आ जाए, बन नहीं रहा था, फिर मैंने क्या स्किप ही कर दिया ये वाला। इसमें मैं ये मिस्टेक कर रही थी कि इसमें जो पहली बार सिंपल इंटरेस्ट से मेरा आंसर आ रहा था ये यहाँ तक तो आ गया था, सेकंड टाइम मैं करने लगी मैं इसमें ना ये वाला अमाउंट प्लस नहीं कर रही थी 15,000 वाला, तो मेरा इसलिए गलत आ रहा था और बार बार यही मिस्टेक मैंने रिपीट की है फिर उसमें। तो गाइज, अभी आज के मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गया और सारे टारगेट्स कंप्लीट करने में मेरे को 7 घंटे लगे हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे गलती से PO लिख रखा था, PO लेवल का नहीं था, एक क्लर्क लेवल का था, PO का मैंने कल दिया था, तो ये गलती से लिखा गया था। और अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं, आज मेरे 6 बजे तक सारे टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। और अभी मैं रात को देखूंगी, मेरे को RC भी लगानी है, एक RC लगाऊंगी मैं।